हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडोफिन्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं शत्रुघ्न सिंह फ्रॉम पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। सो बहुत रेयर है कि उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं फॉरेन पढ़ने जाते हैं, बहुत ही कम लोग जाते हैं। जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, गुजरात में भी क्रेज़ है, मुंबई में भी क्रेज़ स्टार्ट हो गया फॉरेन जाने का, फॉरेन जाके स्टडी करने का, बट यूपी में अभी वो क्रेज़ वो कम है। अभी जो यूपी में जो क्रेज़ ज़्यादा है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स का है, शायद IAS PCS का है, कुछ BEd करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी बैंक में जाना है। तो बहुत अच्छा लगता है जो वैसे क्लाइंट हमारे पास आते हैं। और ये हमारी है रेफरेंस ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने किसी को रेफ़र किया था कि आप एडोफिन के पास ही जाना, तो वहीं से आपका वीज़ा आपका लगेगा। तो इन्होंने उसकी बात पे बिलीव करते हुए एडोफिन के पास आए और आज इनका वीज़ा हमारे हाथ में है। सो शत्रुघ्न, ने आपका बेटा TRC कार्ड है। सो थैंक यू वेरी मच, सर आपने ट्रस्ट किया, आप पीलीभीत से हम पंजाब में हैं। ऑब्वियस ये इनका फर्स्ट टाइम विजिट है हमारी, जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। इनके फादर साहब यूपी पुलिस में हैं, पोस्टर है, एंड वो पीलीभीत सिटी में ही है। सो बहुत अच्छी फैमिली है इनका, बड़ा ब्रदर इनका ऑस्ट्रेलिया है, एंड आप ये खुद फिनलैंड जा रहे हैं। सो आज हम शत्रुघ्न से बात करेंगे एंड समझेंगे इन्होंने एडोफिन ही क्यों चूज़ किया, कुछ और भी कंसल्टेंसीज थी इनके पास, तो वहाँ क्यों नहीं चले गए, एंड फिनलैंड क्यों चूज़ किया, एंड इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही। सो शत्रुघ्न जी, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जब रेफरेंस मिला था एडोफिन का, तो आपको आपके ब्रदर ने बताया था, तो आपने खुद भी रिसर्च किया, तो कुछ कैसे दिमाग में आया कि वो हम बहुत दूर हैं, वो पंजाब में हैं, हम यूपी में हैं, तो इसको कैसे आगे फर्दर प्रोसीडिंग पे लेके आएंगे। सर पहले तो मैंने बहुत सी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, उस पर सर पाया कि बहुत से बच्चे हैं जो दूर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि पंजाब में भी अमृतसर के ही नहीं है लेकिन फार प्लेसेस के हैं, कोई दिल्ली का, तो उनका भी काम हुआ था और सर एडोफिन ने बहुत मदद की थी। वो भी सर फर्स्ट इंट्रैक्शन ही था उनका, सिर्फ परमिट ही लेने आए थे, उसके अलावा उनकी सब कॉल पर बात होती थी, जैसे मेरी हुई है, तो सर उससे ही रेफरेंस मिला कि हाँ हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शत्रुघ्न आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और कौन सा कोर्स करने जा रहे हो बेटा। सर मैं तुर्कू यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में जा रहा हूँ और मेरा कोर्स है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और 4 साल का कोर्स है ये। राइट राइट राइट। सो शत्रुघ्न, आपने जब वहाँ जाने का प्लान किया फिनलैंड जाने का, तो ऑब्वियस आपने जो एक आपका प्रोसेस है, आपको प्रोसेस बताया गया, आपकी जो एडमिशन का प्रोसेस था वो कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे आपकी एडमिशन हुई थी यूनिवर्सिटी में। फर्स्टली सर जब आपको कांटेक्ट किया तो आपने पूरा प्रोसेस बताया, सर उसमें यही था कि हमें सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपको, एंड सर बाकी सर आपका वही काउंसलिंग फीस एंड रिलेटेड टू अदर थिंग्स, एंड सर उसके बाद सर जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो सर आपने बताया कि ग्रुप डिस्कशन होगा, उसकी प्रिपरेशन हुई, एंड आफ्टर क्लियरिंग ग्रुप डिस्कशन देर विल बी अ VPS इंटरव्यू, देन सर आई क्लियर डेट, एंड आफ्टर डेट इन जस्ट 5 days आफ्टर क्लियरिंग माई VFS इंटरव्यू आई गॉट माई वीजा। राइट। सो शत्रुघ्न, जब आप VFS गए थे, वहाँ पे फाइल सबमिशन हुई थी, तो वहाँ पे आपका वहाँ का आपका एक्सपीरियंस क्या है, कि आपको वहाँ पे कुछ कोचिंग हुई, कुछ हार्ड कोचिंग थी या कुछ बहुत इजी प्रोसेस था वहाँ पे। सर फर्स्टली तो सर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि सर आप लोगों ने बहुत मदद की थी। पहली बात तो मैम ने इतना ट्रेन कर दिया था कि जिस हिसाब से इंटरव्यू देना है, तो वहाँ पे ऐसी कोई हेजिटेशन हुई नहीं। उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछे कि हम क्यों फिनलैंड आना चाहते हैं, कोर्स क्या है, एंड फंडिंग कौन कर रहा है, सर बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट। एंड शत्रुघ्न जी, जो आपकी जर्नी रही एडोफिन के साथ day 1 से आज तक, आपको वीजा आपके हाथ में है, तो आप इस जर्नी को कैसे एक्सप्लेन करोगे। सर यही कहूँगा बहुत सुपर जर्नी थी, फर्स्ट टाइम मैं आपको मिल रहा हूँ, बाकी सर कॉल पे बात होती थी, तो मैं यही कहूँगा कि सर एडोफिन के साथ बहुत मदद हुई है, और एडोफिन ने सर जब मेरा रिफ्यूजल आया था तो मैं बिल्कुल होप हो चुका था, तो एडोफिन ने सर वीज़ा दिलवाया एंड परमिट आया फिनलैंड का, तो सर अच्छा एक्सपीरियंस था। राइट। सो शत्रुघ्न जी, आपके एरिया में यूपी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक अच्छे कंसल्टेंट की सर्च में है, उनको जाना है फॉरन, बट रिसोर्सेस कम हैं या कुछ उनको एक सही गाइडेंस नहीं है, आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहते हो। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एडोफिन से कांटेक्ट करें। एक्चुअली सर हमारी तरफ जो जितने भी कंसल्टेंट हैं सर वो थोड़ा ज़्यादा पैसे लेते हैं, और उसके बाद सर कोई गारंटी नहीं कि वो काम करके ही दें। सर बहुत सो में तो सर फ्रॉड हुए हैं कि पैसे ले लिए लेकिन काम नहीं किया गया, तो मैं यही कहूँगा कि पहले रिसर्च करें अच्छे से और एडोफिन जैसे ही कंसल्टेंट देखें। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, आपने ट्रस्ट किया, एंड वी विश यू वेरी सुपर डुपर सक्सेस अहेड इन फिनलैंड। मिलते रहेंगे फिनलैंड में, बातचीत करते रहेंगे, फ़ोन पे इन टच रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी हो या कभी कुछ असिस्टेंस चाहिए तो कभी भी आप हमें कॉल कर लेना, कभी मैसेज कर लेना। ओके।
थैंक यू बेटा, थैंक यू सर।